This movie uncoded by Patty 87. ये कम था। उसे ये पता नहीं। गुड डे। गाड़ी से बाहर आ जाओ। अभी आया। तुम्हें पता है तुम्हारी स्पीड क्या थी? तेजी जा रहा हूंगा, जब भी तो तुमने रोका मुझे। क्या तुम सुवरों के शिकारी हो? हाँ, तुम्हारी कसम। तुम पढ़ सकते हो? बड़े लफ्जों में जरा फंस जाता हूँ, लेकिन पढ़ ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। फिर तो तुम वो साइन बोर्ड पढ़ सकते थे जिस पर लिखा हुआ था हद रफ्तार 100 किलोमीटर। वो मुझे ये तो यकीन है कि 100 से कम ही जा रहा था मैं, यू नो। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी दोस्त। मैं
अब मैं जाता हूं, बड़ी मेहरबानी। तुम कहां जा रहे हो बेवकूफ? देखो भाइयों, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरा चालान करोगे क्या? क्या मुझे अपना लाइसेंस दिखाओगे? हाँ। तुम घर से काफी दूर निकल आए हो। हाँ देखो, मुझे शिकार के लिए अक्सर यहाँ शुमाल की तरफ आना पड़ता है, बहुत दूर है, मगर वहां जनूब में इतने सुअर नहीं है ना। ओ क्या बकवास कर रहा है? अब जुर्माना बढ़ जाएगा, अब तुम इस कार को दोबारा रोड पर नहीं लाओगे। सुन लिया? टायर्स यूं हैं जैसे किसी कंजे का सर। मैं तो हैरान हूं ये चल कैसे रही है, बॉडी देखकर लगता है किसी पहाड़ी से गिरी हो जैसे। जाने भी दो, अब तुम इस कचरे को वापस टाउन में ले जाओ और फिर वहां दफा हो जाओ जहां से तुम आए हो। मुझे दोबारा तुम्हारी ये घटिया शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गए? और ये अल्फाज तुम्हारे लिए बड़े तो नहीं? तुम्हें यकीन है तुम्हें ये करना चाहिए? तुम्हारी कसम। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अच्छा, तुम बहुत कमीने हो। ओह माय गॉड, हमें अपना कोटा भी तो पूरा करना होता है। तुम्हें यकीन है तुम ये मुझे देना चाहते हो? हाँ, खबरदार अगर ये खटारा गाड़ी लेकर फिर इस रोड पर चढ़े। भाई कमाल कर दिया तुमने तो, वाकई उस बेचारे का मुंह देखा था तुमने, कैसा बेवकूफ जंगली इंसान था वो। वैसे पूछ सकता हूं तुम कहां जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है मेरी टांग टूट गई है। चुप करो यार, क्या बच्चों की तरह बोल रहे हो? कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बहुत से सुना। पागल हो गए हो क्या? तुमने अपनी दोस्त की बात नहीं सुनी? मैं शिकारी हूँ सुअरों का, और पता है मैं क्या करता हूँ जो सुअर चीखती हैं उनसे? मैं चुप करवाता हूँ।
Fuck me. You stupid pair of bastards. Look at a fucking mess you made, huh? Now I gotta clean it up. I'll fucking find it. वो हमें ढूंढ लेंगे. I want to see my kids. Mate, I can make the ticket go away, mate. Or I can make you go away. बुरा नहीं है. चलो बस भी कर दो. बहुत खूब, वाकई बहुत खूब. ओह कूल, ये मेरे लिए? हाँ, हमने ट्रेवल भी करना है. इसकी जरूरत पड़ेगी. हाँ तुम ठीक कह रहे हो. चीयर्स. Ganz genau. Ja. Genau, wir haben eine Überraschung. Eine Überraschung. Mhm. Kann man das? Finde ich. Blöde Amerika. Ah, ज्यादा गर्मी है. मैंने तो कहा था वही टाउन में वेट करते हैं. मुझे लगा शायद लिफ्ट मिल जाएगी. हे, कोई गाड़ी आ रही है, जल्दी करो, भागो, जल्दी करो, तेज भागो कहीं ये निकल ना जाए. हेलो, कम ऑन.
हे, ये लगता है वो रुक गया। कूल। चलो चलो जल्दी करो। आपका सफर अच्छा गुजरे। ये रहा, एक मिनट। तुम्हारे लिए। चलो आओ। अच्छा, बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा है। लगता है हम जन्नत में आ गए। पारादीस। Sag nur, es ist zwar schön, aber so wie du eben. So wie ich. Dafür gibt es nur ein Wort. Ja? Awesome. Ich glaube, das nehme ich mit nach Hause, das Wort. They are so cute. I love them. What are they called again? The little black one's called Nutella. Yeah, we have that in Europe. I know, and it's brown, but it was my little daughter's idea of a joke. And the little one with the broken horn is called Casper. And the other one, that's Marley. Okay. Thank you so much. All right. Here we are. Yay. Thank you. Happy birthday. Okay. See you, love. Thank you very much. Das war ja interessant. Oh, du. Auf zu meckern. मुझे नहीं लगता मैं इतनी दूर पैदल चल सकती हूँ। हाँ, तुम चल सकती हो। मुझे नहीं पता, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। लगता है कि अब हम पहुंच गए हैं। ये गर्मी बिल्कुल जहन्नम जैसी है। आ भी जाओ। बहुत सुस्त हो गई हो तुम वैसे। क्या, अब भी तुम मुझे सुस्त कह रहे हो? हाँ। हालांकि तुम्हारा सारा बैग भी मैंने पैक किया था। लगता है ऊपर जाके पैसे पूरे हो जाएंगे। एक वक्त था जब ये पूरा 1.5 किलोमीटर गहरा हुआ करता था। तुम्हारे ख्याल में सहरा को इसे पूरा निगलने के लिए कितना वक्त लगेगा? जर्मनी में ही इतने बड़े मैदान हैं। तुम वाकई बेवकूफ हो। यहाँ और लोग भी हैं। लगता है उन्होंने मेरी आवाज सुन ली होगी। जरूर सुना होगा। Hello or goodbye.
आओ यहाँ से चलें। हे, लगता है कोई आ रहा है। वाओ, कमाल हो गया। मुबारक हो तुम्हें। हेलो, हे हे रुको। रुक जाओ भाई। ए जरा देख के। अरे ये क्या? पागल तो नहीं हो गया तुम? गाड़ी चलाने की भी तमीज नहीं है तुम लोगों को? ये रुका क्यों नहीं? बेगैरत लोग। ये भी उसी घटिया इंसान जैसा था जैसा कल हमें रास्ते में मिला था। तुम लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है क्या? किसी के लिए गाड़ी रोक दो। लोगों को लिफ्ट देना पसंद नहीं करते। ये इंसानियत है इन लोगों में? इखलाकियत की बात करते हैं ये। बस करो कमीने लोग। उल्लू का पट्टा। रुक कर अब रिलैक्स हो जाओ, बाहर में जाए। चलो हम इसी तरह चलते रहते हैं, अगर कोई ना आया तो हम वहीं पर अपना कैंप लगा लेंगे। पर मुझे यकीन है जल्दी कोई आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, लगता तो यही है, दुआ तो यही है। लगता है हम दोनों को वापस चले जाना चाहिए। शायद हमें वापसी पे ही कोई गाड़ी मिल जाए। अगर हम डार्विन रोड के पास पहुंच गए तो फिर कोई खतरा नहीं है। और वो कितनी दूर है पता नहीं। सब कुछ ठीक है? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, हम दोनों इस वीराने में बिल्कुल खो गए हैं। और इस जगह से डर भी लग रहा है मुझे। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। गुड, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा है। रूडी, आमतौर पर तुम इतने गुस्से में नहीं आते, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें? बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, अब मैं फिर से वैसे ही हूं। और मुझे भी अच्छा लगता है वही अपना पुराने वाला रूडी। तो फैसला करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास कुछ नहीं है और हमें नई जिंदगी भी शुरू करनी है। एक बात बताऊं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं आर्ट में नहीं जाऊंगा और ना लॉ में, जैसे कि डैड ने कहा। वाकई? हाँ, मैं चोर बनूंगा और मैं चीजें चुराया करूंगा बड़े बड़े लोगों की। हाँ लगता बाहर कोई है। यहाँ पे? वाकई? यहाँ पर कौन हो सकता है? रोटी जल्दी से ऊपर कोई चीज पहन लो। हो सकता है हमें लिफ्ट मिल जाए। टॉर्च ले जो रूडी। हाँ, नहीं नहीं, बाहर काफी रोशनी आ रही है। तुम लोग आधी रात को इस वीराने में क्या कर रहे हो? ये नेशनल पार्क है, यहाँ कैंप लगाने की इजाजत नहीं है। सॉरी, हमें पता नहीं था कि ये उसूल है यहाँ नेशनल पार्क का। आई मीन, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है ना।
अरे नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कौन सा रेंजर हूँ। अरे ये आग को तो देखो यार, तुम इसे ठीक से क्यों नहीं बुझाया। तुम्हें पता है सारी झाड़ियाँ कितने खुश के, अगर जरा सी भी चिंगारी भड़की तो सब भस्म हो जाएंगी, सारी जगह जल जाएगी। मैंने ये आग बुझाने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा तुमने कोशिश तो की, लेकिन तुम्हें चाहिए था इस पर पानी फेंक देते। चलो शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मेरा नाम मिक है। रुटगर। रुटगर, रुटगर, हाय, कहाँ से आए हो? मैं जर्मनी से आया हूँ। अक्सर वहीं से आते हैं। रुटगर, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। ओह, हाय फ्यूरर। हाय। मुझे भी जर्मन आती है। हाँ, अच्छी बात है ये। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर तुम रेंजर्स के हत्थे चढ़ जाते हो तो तुम्हें जुर्माना हो सकता है, तुम ये तो नहीं चाहोगे? नहीं। तो बात यह है दोस्त, मैं भी टाउन की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं और तुम रात के लिए कैरेवन पार्क में रुक जाना, ठीक है? हाँ, तुम यहाँ से कैसे वापिस जाओगे? यहाँ से कौन लिफ्ट देगा तुम्हें? नहीं, वो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें कल लिफ्ट मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कोई साइंस नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अरे दोस्त, मैं तो खुद तुम्हें लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ, तुम कहते हो तुम नहीं जाओगे। आर यू श्योर कि यहाँ पर कैंपिंग की इजाजत नहीं? मैंने तो पूरा नक्शा देखा था। मैंने जो कहा है सुना नहीं? वेल, हाँ, मगर वो वो तो मैं झूठा हूँ। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए आखिरी मौका दे रहा हूं, समझे? पुलिस को बुलाओ। आपका शुक्रिया, मगर हम यहीं रुकेंगे। माफी चाहता हूं कि हमने ये आग जलाई और आपको रास्ते से हटके यहां आना पड़ा। तुम्हारी जरूरत कैसे ही मुझे ना करने की नाबे कमीने। अच्छा तो अब मुझे जवाब तो कमीना कहीं करना होता। तुमने हरकत ना करो, नहीं तो मैं तुम्हारी नाक फाड़कर पूरे मुंह पर फैला दूंगा। सुना? देखो, मैं यहां पे नहीं करना चाह रहा था, पर तुम्हारे उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड की वजह से कर रहा हूं। वैसे भी अब इंतजार कैसा? बहरहाल, मेरा नाम मिक टेलर है, तुम मिल गई, बहुत अच्छा है। पता है, मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को इस वीराने में क्या चीज नजर आती है। मेरा मतलब, ये तुम लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हो, हैं? यहां पे आते हो और गंदा करते हो हमारे इलाके को, ये है तुम्हारी जिंदगी का मकसद, हैं? यही है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो ना। Oh, look at that, eh? Cookies! Ah!
shit. Now he's tougher than a pig. You cool. तुम क्यों घबरा गई हो जाने मन? अब मैं तुमसे वादा करता हूँ. अब हम दोनों साथ रहेंगे कुछ महीनों के लिए. सिगरेट नहीं पीता था. अब बोलती बंद हो गई है. Jesus, Rutger, you fat bloody donkey, hey? Who's the lucky girl then? छुपाई खेलोगी. इससे तेज भागना पड़ेगा. बहुत चालाक हो तुम हैं. This huge city, it's on a lonely one.
बैक बैकी हेलो एंजल, कैसी हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. बैकी एक मिनट. हे क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या? अब हमें यहाँ से निकलना होगा. ओके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. ओके मैं आ गया हूँ. ओके इजी. ओह माय गॉड. हे क्या कोई और भी है तुम्हारे साथ? कोई और भी है? किसने किया ये? शिट. एक मिनट रुको. ओके अपने हाथ इधर लाओ. ओके देखो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही. क्या कर रही हो तुम? अब ये कमीना कहां से आ गया? कौन है वो? क्या हुआ? शिट. ऑलराइट वो कौन है बताओ? कौन है वो? क्या तुम बताओ कि क्या हो रहा है यहां पे? Oh my God. जा रहे हो तुम दोनों? शिट कुछ नहीं होता. मरोगे तुम दोनों. मुझे भी बिठा लो. ओह माय गॉड कुछ नहीं होता. कम ऑन हराम खोर. लानत हो तुम पर. No.
रुक जाओ।
मारे गए। शिट। सुनोगे? सॉरी दोस्तों। है देखो ऑस्ट्रेलिया में खुशामदीद हो कमीनो।
तुम्हें इससे बेहतर करना पड़ेगा।
मेरे बाकी के कपड़े भी पैक कर दो। ठीक है। लगता है वो उठ गया है। लो वो आ गया। बेटा हम तुम्हें जगाना नहीं चाह रहे थे, हम टाउन जा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे जागने का इंतजार था। फोन नहीं चलता यहाँ पे। शॉर्टवेव चलता था किसी जमाने में, ये सब मैग्नेट की वजह से है। कुछ अजीब है इस जमीन में, कभी कभार तो टीवी भी बंद हो जाता है यहाँ। हम लोग खुद मुख्तार हैं यहाँ। कोई बात नहीं, अब तुम महफूज हो। मैं लील हूँ और ये जैक। पॉल, खा लो बेटा, खा लो, ताकत चाहिए होगी तुम्हें। मैंने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, और पियो। क्या तुम अंदर हो हीरो? तुम चाहते हो कि किसी और को भी नुकसान पहुंचे? आ गया वो। अभी आता हूं मैं, कुछ नहीं होता। मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। देखो मुझे वो लड़का दो, तुमसे मेरी दुश्मनी नहीं है। ओ अच्छा, चाहते हो या गोली मार दूं तुम्हें मैं? निकल जाओ। चला गया। नहीं नहीं, वो नहीं गया। अगर फिर आया तो मारा जाएगा। कार सामने के दरवाजे पे है, अब हम सब इकट्ठे जाएंगे। चाबियां है ना तुम्हारे पास? मैं नहीं जा सकता। Shit.
अच्छा साथ गुजरता हम दोनों का। मुझे कुछ मत कहो। तुम कितने कमीने हो। तुम तो बहुत कमजोर निकले, चूहे निकले बिल्कुल। Oh!
यकीनन तुम्हें भागकर जान बचाना नहीं आता हीरो, क्योंकि भागते वक्त रुकते नहीं हैं। तुम इस सब परेशानी से बच सकते थे। तुम यहां पर क्यों हो गधे? प्लीज प्लीज, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुम यहां पर क्यों हो? प्लीज प्लीज, असल में चलो इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम हीरो बनना चाहते थे, अपने जोश की वजह से मार खा गए, है ना? बहादुरी दिखाने का शौक बनना चाहते थे। जाने दो मुझे, छोड़ दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात की तुमने। तुम मेरे प्यारे मुल्क में आने के बाद सोचते हो जैसे कि ये तुम्हारे बाप की जागीर हो। तुम एक शिकारी और उसके शिकार के बीच आए हो और अब कहते हो चला जाऊं, ऐसे ही चले जाओगे? प्लीज ना। तुम मेरे मकरूज हो बच्चे, तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आई कि तुम उसको मुझसे छीन सकते हो? हाँ? 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 क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं है? बताओ। एक रहीन बंदा और भी बुरा लगेगा जब वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा। एक दफा न्यूयॉर्क में एक बंदा था जो अपनी नाक साफ करता था खाने वाले कांटे के साथ, लेकिन मुझे उसकी क्या परवाह, मुझे कौन सा उस कांटे से खाना है। फिर एक दफा एक आदमी था कैंसास से जो के उसके जूते पीतल के बने हुए थे और जब वो चलता था तो वो टकराते थे और उसके कपड़ों को आग लग जाती। ये तुम क्या कह रहे हो बच्चे? एक दफा एक छोटा सा बच्चा था जो जब उसे कोई गुदगुदी करता तो वो जमीन पे लेट के जोर लगाता और छत पे सुसु कर देता। ये बड़ा मजेदार था। तुम तो बहुत मजाया हो। इंग्लैंड से हूं ना मैं। ये कहां से सीखा? बोर्डिंग स्कूल से। बोर्डिंग स्कूल? ओ, ढीली पेंटों वाले बच्चे होते हैं जहाँ, और निकर नहीं पहनते। सही है, फिर भी तुम मेरे मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक मिनट। एन ऑस्ट्रेलियन स्टॉकमैन Lion, dying. He got up and went over. He turned to his mates, who were all gathered round, and he said, "Watch me, wallabies feed, mate. Watch me, wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me, wallabies feed. All together now, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport." Tie me kangaroo down, keep me cockatoo cool, cool. Keep me cockatoo cool, don't go acting a fool, cool. Just keep me cockatoo cool, all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Take me koala back, Jack. Take me koala back. Let's all wear the Jack Mac. Tie me koala back, all the other now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Play the didgeridoo, boo. Play the didgeridoo. Keep playing till I shoot through, blue. Play the didgeridoo. All together. Tan me eye when I'm dead, Fred. Tan me eye when I'm dead. So he tanned his eye when he died, Clyde, and that dick dangling on the shed. Hey! Oh, fuck me. You mad little British bastard. Where do you know that song from? My mother had the record. Huh? We listened to it endlessly as kids.
My word, eh? You are a knowledgeable little prick, eh? तुम्हें एक बात बताऊं, आओ मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं। मुझे लगा शायद तुम पूछोगे ही नहीं मेरे दोस्त। मुझे लगा तुम कभी पूछोगे नहीं। ये लो मेरे दोस्त, आओ अब हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। थैंक यू। अगर हाथ खुला होता तो। याद कराने का शुक्रिया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये लो। थैंक यू। ये लो बच्चे। चीयर्स। अब पता चलेगा तुम्हारा। अच्छी है ना? इसका जायका थोड़ा खराब है लेकिन यकीन करो मजा बहुत है इसमें। और मेरे दोस्त इंग्लैंड में यही तो पीते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और भी पियो। My name is Old Jack Palmer. I once dug for gold. The song I'm about to sing now recalls days of old when I had plenty mates around me and the mates were fairly hum as we all sat together around the old keg of rum, the old keg of rum, the old keg of rum, as we all sat together around the old keg of rum, the old keg of rum. Australians, oh, let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for toil. Our home is goodbye sea. I hate that fucking song, Goodbye Sea. Hey, who's Gert? Some fucking big butch lesbian standing astride Sydney fucking heads or something. It's a funny shit song. Oh, shit. अब जैसा कि जाहिर है तुम हराम खोर कमीने बहुत मजाया हो, सब जानते हो। हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं, एक क्विज शो है। अच्छा, ठीक है। और वो है ऑजी हिस्ट्री। मैं तुमसे 10 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने 5 का सही जवाब दिया तो तुम जा सकते हो। क्या तुम्हें कबूल है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वाकई। दोस्त, तुमने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, मिक टेलर मेरा नाम। सुअरों का शिकारी और इस वीराने का बादशाह हूं मैं। हाँ। चेयर्स। तो फिर मजा करने के लिए तैयार हो? हाँ। ये किस लिए मिक? ओह, मैं बता नहीं भूल गया, हर गलत जवाब पर मैं तुम्हारी एक एक उंगली काट लूंगा। तो 10 सवाल और 10 उंगलियां, इंसाफ तो हो जाएगा, समझ गए? बिल्कुल। तो ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप है? हाँ, मगर इसमें फोन अ फ्रेंड नहीं होगा अगर कोई गलती है। वो इसलिए क्योंकि तुम उस वक्त दर्द में चिल्ला रहे होगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब चलो हम आसान सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी कहावत है जिसका मतलब है वाटर होल और वो एक ऑस्ट्रेलियन सर्फ बनाने वाली कंपनी का नाम भी है? हाँ,
Billabong. बहुत खूब पर अगला वाला मुश्किल होगा पर तुम काफी तेज हो जवाब दे दोगे वो कौन सा सन था जब ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में आबाद हुए थे लेफ्टिनेंट जेम्स कुक के बाद जब उसने 1770 में यह मशरकी किनारा दरियाफ्त किया और इसका नक्शा बनाया तो पहला बेड़ा यहां पर पहुंचा और आबाद हुआ और ये थी 26 जनवरी 1788। क्या यही था तुम्हारे सवाल का जवाब? कमाल कर दिया। तुम तो बहुत ज़हीन हो, तुम्हें तो सिर्फ इसी जवाब पे छोड़ देना चाहिए। वैसे तुमने ये कहां से सीखा था? मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ये तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है ना? पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैंने पहले कहा था कि 10 सवाल करूंगा तो वाह वाह वाह। चलो ये लो। ठीक है, चलो ठीक है। कौन से सन में ब्रिटिश लोगों ने अपने मुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू किया था? सबसे पहले 11 बेड़े अपने कार्गो और अपने एहसास और सामान के साथ यहाँ पर आए थे। बॉटनी की बे पर जो न्यू साउथ वेल्स में उतरे उनके पास 780 कैदी थे और मुजरिमों के मजीद 2 बेड़े आए थे 1790 में और 1791 में। आजाद शहरी यहाँ पहली दफा 1793 में आए थे। मिक, ये सही है ना? मैं जानता हूं ये सही है। वो क्यों? क्या मतलब? तुम क्या पूछना चाह रहे हो? तुम्हारे ब्रिटिश लोगों ने अपने मुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजा? क्यों? वो जवाब तो बेवकूफ कहेंगे। अब तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें? नो 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 देखो मिक, सब 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 पहले जब ब्रिटिश लोगों के हाथ से 13 कॉलोनीज इकट्ठी निकल गई तो वो अपना केस वर्जीनिया और अमेरिका में हार गए। तो उन्हें कैदियों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जगह नहीं थी और वो बहुत सी इखलाकी बीमारियां फैला रहे थे और खर्चा बहुत हो रहा था। और दूसरी बात के वो उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बचा था जिसके पास जराए थे। इस वजह से बर्तानिया यहाँ पर पहले सेटल होना चाहता था इससे पहले कि फ्रांस हो या जर्मन हो। यही वजह थी। मैं नहीं, क्या मसला है यार? यही सही जवाब है। प्लीज मैं, ये तुम क्या कर रहे हो मैं? मैं यही सही जवाब है। तुम क्या जवाब सुनना चाहते हो? नहीं मैं, पर यही सही जवाब है। मैं देखो, तुमने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है मैं, मैंने सब के सब सही जवाब दिए है। यही सही जवाब था। नहीं वो गलत था। यही सही जवाब था। नहीं वो गलत था यार। यही सही जवाब था। अब सुनो सही जवाब, क्योंकि ब्रिटिश लोग साहब के साहब कमीने हैं। नहीं यार सीरियसली, तुम्हारा जवाब टेक्निकली गलत था और इसीलिए मैं थोड़ा खूनी हो गया। बस करो यार, चुप करो, इतना भी दर्द नहीं हो रहा। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कोई लड़की हो। मुझे दर्द हो रहा है। अरे इन आंसुओं को तो साफ कर लो, तुम्हें पता है मुझे आंसू बहुत बुरे लगते हैं। तुम ठीक हो? क्या यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? अच्छा हाँ? अच्छा
चलो अब एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे, बहुत आसान सा है, और इसके बाद ड्रिंक्स होंगे, फिर तुम जा सकते हो, हैं? तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो दोस्त, वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हो। एक मिनट, अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन था? अब ये मत कहना कि वो शेन वॉर्न है। चलो बताओ। चलो बोलो। मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या तुम मुझसे फुटबॉल का सवाल पूछ सकते हो? इस आदमी को जानने के लिए तुम्हारा क्रिकेट को जानना तो जरूरी नहीं है। मुझे कोई क्लू दे दो। वो दुनिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर था, और क्या बताऊं तुम्हें इस बारे में। कम ऑन पॉल, उसका नाम मेरी जुबान पे आ गया है। चलो जब मैं ये तुम्हारी जुबान पर रखूंगा तो निकल आएगा जवाब। नो 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 नो, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? किस लफ्ज़ से शुरू होता है ये तो बता दो मुझे। डी से, जे, डो, डो। डगलस चार्टन। क्या बेवकूफी कर रहे हो मुझ पे? डेनिस, डेनिस लीली। वो कौन है डेनिस लीली? इसका जवाब डेनिस लीली। डेनिस लीली नहीं है। एक मशहूर क्रिकेटर जिसका नाम डेनिस लीली नहीं है ये। कहा ना लीली नहीं है ये। ये नहीं है तो फिर क्या जवाब बताओ? पहाड़ में जाओ। प्लीज खुदा के लिए मेरा दूसरा हाथ ले लो। दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लो मेरा। क्यों क्यों, इस हाथ से तुमने खाना खाना होता है? चलो जो तुम्हारी मर्जी। डेनिस लीली नहीं। प्लीज 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 मेक 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 प्लीज मेक। चुप करो, मेरी बात सुनो मेक प्लीज। ये हाथ मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारे हलक में डाल दूंगा, समझ गए हो तुम? के लिए मुझे जाने दो। तुम्हें बिल्कुल मैं यहाँ से जाने दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम? मगर पहले मैं हमारे लिए एक ड्रिंक लाता हूँ, ओके? तुम मुझे जाने दोगे? जरूर जाने दूंगा यार, क्यों नहीं, यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन फिर कहीं और चलेंगे हम, वहाँ। क्योंकि मेरी बात सुनो, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता, कम से कम जिंदा तो नहीं वापस जाता। सच तो ये ये तुम्हें पागल कर देगा। ये क्या चीज है? तुमने कहा था कि तुम संभाल के पक्के हो। वो तो मैं हूँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, बच्चे तुम मेरे मकरूज हो। तुमने मेरा खिलौना छीन लिया मुझसे, इसीलिए उसकी जगह पर अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ओकी डोकी।
तुम बिल्कुल सही नहीं मरीज हो। खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा तो, खबरदार अगर ऐसा तुमने कहा तो। हाँ, ये तुम्हें एक औरत ने बता देगा। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। हेमिक, ये डॉन ब्रेडमैन है कमीने। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा बच्चे। राम खोर, तुम्हें पता कितना दर्द हुआ है? लगता है मेरी खोपड़ी टूट गई है। मेरे सर से खून निकलकर हर तरफ बिखर गया है। तुमने बहुत खून खराबा कर दिया है। अब तो तुम खुश हो गए होगे बेगैरत। लगता है अब तक तुम सुरंग के एंड तक पहुंच गए होगे। बहुत से लोग मारे गए हैं यहां से निकलने में। क्या कर रहे हो बच्चे? आवारा मैं झूम रहा हूं, घूम रहा हूं। चलो दूसरा सा। You've got to be fucking joking. बाहर आओ बेटा, अंकल मी कह रहे हैं। अब वो इसी काबिल थे सब के सब फजूल बेगैरत लोग। सारे बाहर के लोग थे ये। अब किसी को तो ऑस्ट्रेलिया को खूबसूरत रखना ही होगा। हमें कितना मजा आ रहा था, गा रहे थे, बातें कर रहे थे। Drinking, carry on, Tommy Gangaray down, sport, Tommy Gangaray down, Tommy, ah, fuck it, come on, get out of here, get away out there, Tommy, get on him. Hehehehe.
मैंने बताया भी है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे इधर देखो, क्या बात कर रहे थे हम? याद आया, सही कहा तुमने। देखो इस दुनिया में कुछ मेरे जैसे लोग हैं और कुछ लोग तुम्हारे जैसे, और मेरे जैसे लोग तुम जैसे लोगों को नाश्ते में खाते हैं, समझे? तुम कुछ नहीं हो, बस गैर मुल्की कुत्ते हो। एक कुत्ता जो बदबूदार हो, तो अब ये मेरे जैसों का फर्ज है कि तुम जैसों का सफाया करूं। और इसीलिए तो मैं एक फाते हूं, और इसी वजह से तुम अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? चलो पुलिस स्टेशन। मदद करो मेरी। This movie uncoded by 1987.